हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जय महादेव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। और जैसा कि हम लोग लगातार चैनल पे आप लोग के लिए लगातार बने हुए हैं, ठीक है, और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की फिजिक्स का। देखिए, मैंने 3-4 चैप्टर आपके क्लियर कर दिए हैं और जो शेष बचे हैं उनको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, और इतना आपके लिए बहुत है, ये बहुत ही सफिशेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतने में आपके 25 में 25 नंबर पूरी गारंटी है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार दीजिए अपना, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे और लगातार आपको वीडियोस देते रहें। और पिछले क्लासेस में आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, एकदम फ्रीली आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी डाउट है। और मेरे चैनल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, आप उसमें कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। और मैं आपके लिए रात दिन कार्यरत हूँ, मेहनत करता हूँ, जम के पढ़ाऊँगा। तो चलिए बेटा, आज का ज़्यादा टाइम लास्ट ना करते हुए हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कंटेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेटा लेंस तक लगभग ख़त्म कर लिया सारी चीज़ें। लेंस के आगे देखिए चैप्टर जो मैंने पढ़ाने का क्रम बताया था आपको पहले वीडियो में, उन्होंने बताया था कि मैं सबसे पहले आपका लेंस के बाद प्रिज्म पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ प्रिज्म आज नहीं पढ़ाऊँगा, आज आपको पढ़ाऊंगा मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। कुछ टीचर्स इसको पढ़ाते हैं बड़ा बोरिंग हो जाता है लड़कों के लिए, रटते रहते हैं बच्चे। मानव नेत्र व दृष्टि दोष आराम समझना बच्चों, समझ में ना आए पैसा वापस कर देंगे, सही बता रहे हैं आप लोग, पैसा भैया कहाँ से वापस कर देंगे, जब लिए हों तो वापस कर देंगे ना। चलिए फिर भी समझते हैं मानव नेत्र व दृष्टि दोष। देखिए बेटा, बात करें तो इस चैप्टर से लगभग कभी कभी जो भविष्य अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 6 से 7 नंबर क्वेश्चन दे देता है। और जब ये चैप्टर मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन देता है, फिर भी 2 से 3 नंबर का जरूर आना है, ठीक है। देखिए इसमें दो टॉपिक हमारे हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, मानव नेत्र एक अलग टॉपिक होता है और दृष्टि दोष अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मानव नेत्र को हम अलग समझेंगे, दृष्टि दोष को अलग समझेंगे। तो पहले मैं आपको जो इसमें पढ़ाऊंगा वो दृष्टि दोष पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं और अच्छा टॉपिक है। और इसके बाद मैं आपको मानव नेत्र पढ़ाऊंगा। मानव नेत्र एक तरह का है बायो का टॉपिक है, लेकिन हमारे जो पढ़ने का नजरिया होगा वो फिजिक्स के नज़रों से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दृष्टि दोष आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको समझा दें कि सबसे पहले समझिए आँख क्या होती है, जिसे मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र है क्या, ठीक है, ह्यूमन आई है क्या मानव नेत्र। तो मानव नेत्र बेटा एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस होता है और जिसका बिहेवियर एक उत्तर लेंस की तरह होता है, ठीक है, एक उत्तर लेंस की तरह होता है मानव नेत्र। ये तो आप कह सकते हो कि मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस है जो कि उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा देखने का सिस्टम बता दूं कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको दिखाई कैसे देता है, आराम समझना। देखिए हमारा मानव नेत्र एक लगभग गोलक के समान होता है, ठीक है, जिसमें ये सबसे भीतरी परत जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है जिसको रेटिना कहते हैं, और ये सामने हमारा नेत्र लेंस लगा होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें इस हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर आपतित होते हैं, और जब ये किरणें रेटिना पे आपतित होते हैं तो यहाँ पर वहाँ पे एक हमारा ये जो ऑप्टिकल सिग्नल यानी प्रकाश के रूप में सिग्नल हमारे आँख में गया हुआ है, ये चेंज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ जब रेटिना पे हिट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझ जाता है, ठीक है। तो देखने की प्रक्रिया ये होती है। देखिए हमें कोई वस्तु दिखाई कब नहीं देती है, क्या दोष होते हैं, देखिए जब ये किरणें रेटिना पे नहीं काटती, रेटिना के आगे काटें, पहले काट दें, या रेटिना के पीछे काटती प्रतीत हों, तो उस कंडीशन में हमें वस्तु में दिखाई नहीं देती है। चलिए ये चीज़ आप समझ गए।
अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कुछ बेसिक चीज़ें समझिए, उसके बाद दृष्टि दोष की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको समझा दूं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती, समझना आराम से भैया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, देखिए समझना। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम देखते हैं, यहाँ पर रख के देख रहे हैं, हमारी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख के और पास ले आए, देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद और पास लाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद, इस लोकेशन के बाद जब हमने नेत्र की ओर और पास लाता हूँ तो मेरी आंखों पे एक टेंशन क्रिएट होता है, समझ रहे, ये ठीक है, समझ गए भाई। तो जिस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को हम बिना किसी तनाव के देख सकते हैं, उस दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत आसान है, जिस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के देखा जा सकता है, उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, ठीक है। और एक बात समझिए, जो स्वस्थ नेत्र होता है मानव का, उसके लिए इस दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए याद कर लेना, ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटू। तो आप लोग समझ गए होंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ मानव नेत्र का, स्वस्थ मानव नेत्र का दृष्टि परास क्या होता है, कहाँ तक की रखी चीज़ों को हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए समझना कि अभी मैंने आपको बताया कि हम कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख सकते हैं बिना किसी तनाव के, और मैं आपको बता दूं कि हम अधिक से अधिक अनंत दूरी तक देख सकते हैं, अनंत दूरी तक। तो ये हमारे नेत्र का हो जाता है निकट बिंदु, जहाँ पर रखी वस्तु को निकटतम दूरी पर, जहाँ तक रखी वस्तु को हम बिना तनाव के देखते हैं, वो नेत्र का निकट बिंदु हो गया। और ये हो जाता है हमारे नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है, वह अधिक से अधिक दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देखा जा सके, उस बिंदु को हम दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो दो बिंदु होते हैं, एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं दृष्टि परास, विजन रेंज। और इसी एरिया, इसी क्षेत्र में रखी वस्तु को हम बिना किसी तनाव के देखते हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि मतलब आदमी के आंख में दिक्कत कब आती है, देखिए, या तो नेत्र का निकट बिंदु, मान लीजिए आगे चला जाए 100 सेंटीमीटर पर चला गया, तो अब आप 100 सेंटीमीटर से पहले मान लीजिए 75 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को नहीं देख पाओगे। और बेटा मान लीजिए जो दूर बिंदु आपका अनंत पर है, ये पहले मतलब 1000 मीटर पर चला है, तब आप 1000 मीटर के आगे नहीं देख पाओगे, समझ गए बात को। तो भैया इस तरह समझो, अगर ये बिंदु आगे चला जाए तो भी हमारा नेत्र दृष्टि में दोष होगा, और या दूर बिंदु हमारा पास चला है तो भी हमारे नेत्र में दोष होगा, ठीक है। तो इस तरह से दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के हमको दोष पढ़ने हैं, पहले आपको ये क्लियर कर दूं, आपके 10th क्लास के सिलेबस में अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूसरा होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूर दृष्टिता, बड़ा खराब रोग है, भगवान करे दुश्मन को भी ना हो भाई, ठीक है, जरा दूर दृष्टिता। और इसके बाद चौथे नंबर में आपको पढ़ाऊंगा वर्णांधता, और वर्णांधता के बाद एक बताऊंगा अबिंदुता। ये 4-5 दोष आपको बताए जाएंगे, 5 दोष, ठीक है। तो ये 5 दोषों को आपको पढ़ना है। आपको मुख्यतः कहें तो 2 ही दोष पढ़ने हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इस यही 2 मेन है, मान लीजिए कह लीजिए। थोड़ा बहुत जरा दूर दृष्टिता से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, और वर्णांधता बिंदुता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक दोष को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आराम से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा इन दोनों दोषों को। चलिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट ट्रिकी अप्रोच बताता हूँ कि इनको याद कैसे करिए, समझ रही बात को। जैसे बात करते जब निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब बेटा कि मतलब निकट में कोई दोष नहीं, ऐसे समझिए। जब हमारे पास भाई देखने के 2 ही चीज़ें हैं, या तो दोष निकट में होगा, निकट की वस्तु में नहीं दिखाई देंगी, या तो दोष दूर में होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए निकट दृष्टि दोष में मैं बोल रहा हूँ कि निकट में कोई दोष नहीं है, जब निकट में कोई दोष नहीं है तो दोष कहाँ पर होगा, दूर में होगा, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं, वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं,
तो दिकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर बात आती है दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष को आप ऐसे समझ लीजिए जो दूर में कोई दोष नहीं, तो जब दूर में दोष नहीं है तो दोष कहाँ होगा भाई, निकट में होगा। ठीक है, तो जब दूर में कोई दोष ना हो, निकट में दोष हो, तो उस दृष्ट को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और जरा दूर दृष्टिता का मतलब है जब ये दोनों दोष हो जाते हैं, मतलब आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष भी हो जाए और दूर दृष्टि भी दोष भी हो जाए, तो ये दोनों दोषों को मिला करके हम कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। बड़ा ही खराब रोग होता है, भगवान करे कभी किसी को ना हो। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण एवं इसके निवारण बताओ, और कभी कभी कह देता है इसका किरण आरेख भी बना के दिखाइए। ठीक है, तो आराम से समझते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, मेरा पूरा प्रयास है आपको समझाने का। बस आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए ताकि हम लोग का भी मन लगता रहे और टेंथ क्लास के बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, मन लगा के पढ़ाई करें। भैया बोर्ड की परीक्षा आपको देनी है, तो चलो स्टार्ट करते बेटा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, वो दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। समझ गए भैया, तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई दें दूर की ना दिखाई दें, उसको आप निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके मैं बात करता हूँ कारण की, इसका कारण क्या होता है। तो इसके दो तरह के कारण होते हैं बालकों, एक तो कारण ये होता है, देखिए ये जो हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है, नेत्र का जो गोलक होता है ये प्रकाश सिराएं लगी होती है, यहाँ नेत्र लेंस लगा होता है, इसका एक व्यास होता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मैंने आपको बताया वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पे हिट करती हैं और वस्तु हमें दिखाई देती है। तो देखिए एक कारण ये है कि अगर मान लीजिए इस नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, मान लीजिए पहले जब मेरा नेत्र स्वस्थ था तो किरणें कुछ इस तरह से काटती थी, रेटिना पे हिट करती थी और ये ऑब्जेक्ट मुझको दिखाई देता था। ठीक है, और उसके बाद जब ये नेत्र गोलक मेरा दृष्टि दोष से पीड़ित हो गया, इसका व्यास बढ़ गया, नेत्र गोलक का जो व्यास था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या होगा जब मैं वस्तु को देखूंगा, ठीक है, तो वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें, अब क्या होगा, दो व्यास बढ़ गया है भैया, तो ये किरणें रेटिना के पहले काट देगी। अब बताइए अगर ये किरणें रेटिना के पहले काटेंगी तो क्या वस्तु दिखाई देगी। तो देखिए एक स्वस्थ नेत्र का जो कहें देखने का तरीका होता है इस तरह से होता है, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र की बात करें, ठीक है, तो वो इस तरह से दिखाई देगी, उसमें किरणें रेटिना के और पहले काट देंगी। तो पहला कारण तो इसका आप ये बोल सकते हो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक का व्यास बढ़ने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण किरणें रेटिना के पहले काट देती हैं और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो पहला कारण मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो गया। अगर बात करें दूसरे रीजन की, दूसरा रीजन देखिए क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके नेत्र लेंस का नेत्र लेंस मोटा हो गया, नेत्र लेंस मोटा हो गया। पहले नेत्र लेंस इतना बड़ा था, इस तरह का था मान लीजिए, और बाद में यही नेत्र लेंस मोटा होकर इस तरह से हो गया, तो फर्क क्या पड़ा देखिए आप समझिएगा। अगर इस नेत्र लेंस की वक्रता की बात करूं तो इसकी वक्रता से मुझे पता चल रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी बड़ी होगी, और अगर इस लेंस की वक्रता की बात करूं, झुकाव की बात करूं, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी होगी। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो पतला लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है और जो मोटा लेंस है बेटा उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है। ठीक है, तो मोटे लेंस की अगर वक्रता त्रिज्या कम है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर इज इक्वल टू होता है 2f के। ठीक है, जो त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, तो भैया अगर त्रिज्या इसकी कम है मोटे लेंस की तो फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस मतलब मोटे लेंस में आर का मान कम हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो बताओ फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। अगर फोकस दूरी कम हो गई भैया तो बताओ क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी भाई, क्षमता बराबर होता है 1/f ना,
फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं मेरे भाई। तो बताइए फोकस दूरी कम हुई तो क्षमता क्या हो जाएगी भैया, ज्यादा हो जाएगी, क्षमता ज्यादा होगी मतलब हमारा लेंस किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, पहले जितना मोड़ता था उससे अब ज्यादा मोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए, इस वाले डायग्राम में आपको समझाता हूँ कि पहले जो किरण आती थी इस किरण को ये मोड़ता था 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री मोड़ देता था, अब इस किरण को ज़्यादा मोड़ेगा, ज़्यादा मोड़ने मतलब मान लो 45 डिग्री मोड़ दिया, अगर 45 डिग्री मोड़ दिया तो बताइए क्या किरण रेटना पे काटेगी या रेटना के पहले काटेगी, बताओ भाई, ये किरण रेटना का पहले काटेगी ना, ठीक है तो अभी किरण रेटना के पहले काट देती है, ठीक है। तो जब निकट दृष्टि दोष से कोई नेत्र पीड़ित तो होता है तो उस नेत्र में वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है, फोकस दूरी कम हो जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ जाती है भाई तो उसके बाद लेंस किरणों को ज़्यादा मोड़ने लगता है, और जब ज़्यादा मोड़ेगा तो किरण रेटना के पहले काटेगी, और जब किरण रेटना के पहले काटेगी तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो दो तरह के आप इसके कारण बता सकते हो, पहला कारण क्या है कि नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, किरण का रेटना के पहले काटना और वस्तु का स्पष्ट ना दिखाई देना। दूसरा कारण मेरे भाई क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता का ज़्यादा हो जाना, यानी वक्रता माने झुकाव का ज्यादा हो जाना, यानी वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, वक्रता त्रिज्या कम तो फोकस दूरी भी कम, फोकस दूरी कम तो क्षमता ज्यादा, किरण ज्यादा मुड़ेगी और रेटना के पहले काटेगी, वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो बेटा आप इसके दो कारण समझ गए, कारण के बाद बात करते हैं इसके निवारण की, क्या निवारण हो सकते हैं, कैसे इन दोषों को दूर किया जा सकता है, ठीक है निवारण के लिए बात करते हैं। तो देखिए इस दोष से पीड़ित नेत्र लेंस में है क्या दिक्कत, क्या हो रही है इसमें दिक्कत, हमको ये है कि हमारा लेंस एक अभिसारी प्रवृत्ति का हो गया, उसकी थोड़ा सा ज़्यादा किरणों को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा हो गई है, तो हमको ज़रूरत क्या है कि वो किरणों को कम मोड़े, कम मोड़े इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भाई आप इसकी क्षमता को घटाने का प्रयास करोगे। मैंने आपको दो लेंस बताए थे कि एक उत्तल लेंस होता है जो किसी भी लेंस के साथ मिलकर के क्षमता को बढ़ा देता है, एक अवतल लेंस होता है जो किसी के साथ मिलकर क्षमता को घटा देता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे बेटा याद रखना। तो आप इसके निवारण में लिख सकते हो कि इस दोष से पीड़ित नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र दोष दूर करने के लिए, दृष्टि दोष दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी और उचित क्षमता का अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया भाई, ठीक है, कोई डाउट हो समझिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछते रहिए, अकेला लगा हूँ और मेहनत करूँगा आप लोग के साथ, खूब जम के मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे आप भी करेंगे, और एक दिन आप लोग देखेंगे कि ज़रूर से ज़रूर आपका 25/25 नंबर दिलाऊँगा, ठीक है। अभी 10th के वीडियोज़ आ रहे हैं आप लोग के लिए, 11th और 12th के भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो आप निकट दृष्टि दोष समझ गए, कारण मैंने आपको बताया, निवारण बताया, एक बार में बेटा ना समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देख लिया करिए, ठीक है ठीक है। मैं दोबारा किसी चीज़ को यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, ये कोई क्लास होती जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ भाई, तो क्लास में मैं वही चीज़ को 2-3 बार बता देता हूँ भाई। वीडियो में आपके पास सुविधा है, सुविधा क्या है कि आप थोड़ा सा उसको पीछे करिए, दोबारा देखिए, ठीक है, एक बार में ना समझ में आए 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, ठीक है। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष का कारण समझ गए, निवारण समझ गए, और कारण निवारण के बाद अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप लोग को मैंने बताया निकट में कोई दोष नहीं है, दोष कहाँ पर है, दूर में है, दोष कहाँ पे भाई, दूर में है, मतलब हमें निकट में तो कोई दिक्कत नहीं, निकट बिंदु से कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी दूर बिंदु में। तो मान लीजिए किस तरह क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि 1000 मीटर के आगे की वस्तु को नहीं देख पाता है, 1000 मीटर से अधिक दूर पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का कैसा लेंस प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए दे दिया, अब देखिए कहानी क्या है इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो 1000 मीटर के आगे नहीं देख पाता, मतलब इसके नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पे बना हुआ है,
निकट बिंदु में कोई दिक्कत नहीं भाई, ये 25 सेंटीमीटर पे है, लेकिन जो दूर बिंदु है वो अनंत के बजाय 1000 मीटर पे आ गया। कहाँ पर आ गया भैया? 1000 मीटर पे आ गया, दूर बिंदु इसका आ गया 1000 मीटर पे। अब कह रहा है इसको कितनी क्षमता का कैसा लेंस प्रयोग करना होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर साहब पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब उनको चश्मा पहनाएंगे और चश्मे में लेंस लगा देंगे, और ऐसा लेंस लगाएंगे मेरे भाई कि जो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे, कहाँ पर? 1000 मीटर पे। भाई 1000 मीटर पे इनकी नेत्र देख पा रहे हैं ना? क्वेश्चन को आप इस लॉजिक से समझिए कि इनके नेत्र में हमें ऐसा लेंस लगाना है कि जो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना दे? 1000 मीटर पे। तो मतलब इनके नेत्र में जो हमने चश्मा पहना है उसमें लगे लेंस का काम क्या भाई? उसमें लगे लेंस का काम है कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना देना? 1000 मीटर पे बना देना। यानी इस लेंस की अगर मैं बात करूँ तो लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो गई 1000 मीटर, सॉरी अनंत हो जाएगी, और जहाँ पे हमें प्रतिबिंब बनाना है वो दूरी हो जाएगी 1000 मीटर, ठीक है। अब हमें इस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता बतानी है। क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे लेंस की फोकस दूरी का, 1/f = 1/v - 1/u। तो फोकस दूरी हमें निकालनी है, v का मान मेरे भाई 1000, u का मान अनंत रखोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/f = -1/1000 आएगा, तो ये फोकस दूरी जो आ जाएगी वो माइनस का 1000 मीटर आएगी, ठीक है। ये तो फोकस दूरी हो गई, ठीक है। इसके साथ अगर मान लीजिए आपसे क्षमता निकालना है, द पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, मैंने बढ़ाया था जब f आपका मीटर में दिया जाए, तो आप लगा दीजिए यहाँ से 1/f की वैल्यू आप रखोगे माइनस का 1000, जब आप इसको भाग दोगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा माइनस का 0.001 डायोप्टर, ठीक है। तो इतने डायोप्टर का, अब आप बताइए पावर माइनस में आई है तो कौन सा लेंस होगा भैया? ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। तो इतनी क्षमता का अवतल लेंस पहना दीजिए, आराम से पूरी दुनिया देखेंगे, ठीक है, इनका नेत्र एकदम सही हो जाएगा। देखिए एक तो क्वेश्चन तो इस तरह का पूछ लेता है कि 500 मीटर से आगे की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ठीक है, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का कैसा लेंस प्रयोग करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि इस तरह का पूछ ले कि व्यक्ति 1000 मीटर तक देख पाता है और 2000 मीटर तक देखना चाहता है, क्या करेगा अनंत देखे भैया, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 1000 मीटर तक देख पाता है और 2000 मीटर पे देखना चाहता है, तो उसे कितनी क्षमता का कैसा लेंस प्रयोग करना होगा। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए यही व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अनंत तक नहीं देखना है, ठीक है, 1000 मीटर तक ये देख रहा है और ये चाहता है कि मैं 2000 मीटर की पर रखी वस्तु को देख लूँ और बाकी देखना नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे? इसको जो है ऐसा लेंस देंगे कि जो लेंस 2000 मीटर पे रखी वस्तु का, ठीक है भाई, प्रतिबिंब बना दे कहाँ पर? 1000 पे। बेटा एक क्वेश्चन समझने का तरीका है, इसको आप फिजिक्स ना कनेक्ट करिएगा, आपका न्यूमेरिकल फटाक से लगेगा, लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको क्वेश्चन से समझिए कि मान लीजिए 1000 मीटर तक देख पाता और 2000 मीटर की रखी वस्तु को देखना चाहता है, तो बताइए जिस लेंस को हम लगाएंगे उसका काम क्या है भाई? 2000 मीटर पे वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना दे? 1000 मीटर पे। तो अब की इस लेंस के लिए अगर हम बात करें तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 2000 मीटर, ठीक है भाई, और प्रतिबिंब जो बनना है उस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 1000 मीटर, ठीक है। चलिए दोनों को माइनस में ले लीजिए क्योंकि आपने उधर u माइनस में लिया है तो उधर v भी आपको माइनस में लेना पड़ेगा। चलिए फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u लगा देते हैं, बहुत सिंपल है। 1/f = v का मान भैया 1000 रख देना, u का मान आप माइनस का 2000 रख देना, तो 1/f = हो जाएगा मेरे भाइयों माइनस का 1/1000 और प्लस का 1/2000। अब 1000 और 2000 का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा, बताओ कितना भाई? 2000 आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 1/f = आएगा माइनस 1/2000, ठीक है। तो f का मान आ जाएगा माइनस का 2000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फोकस दूरी आ गई माइनस का 2000 मीटर, जब फोकस दूरी माइनस का 2000 मीटर आई है तो पावर निकाल लेते हैं, पावर का फार्मूला 1/f, तो ये हो जाएगा 1/-2000,
ठीक है। और जब 1/2000 को भाग दोगे भाई, तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए, 1/2 लीजिए और 1/1000 अलग ले लीजिए, माइनस लिख दीजिए, 0.5 आएगा। इससे डिवाइड करोगे तो 0.3 अंक और खिसक जाएगा, 0.0005 हो जाएगा। इतने डायोप्टर का आप लेंस लगा दीजिए, वो भी ऋणात्मक क्षमता का। अब अगर क्षमता ऋणात्मक है तो कौन सा लेंस होगा भाई? अवतल लेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को। तो अवतल लेंस लगेगा इतनी डायोप्टर क्षमता का, और उस लेंस को लगा करके इनके दोष को दूर किया जा सकता है, मतलब 2000 मीटर तक आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? निकट दृष्टि दोष का कारण बताया, निवारण बताया, क्या होता ये बताया, साथ में 2 न्यूमेरिकल भी बताया। ठीक है, आपको इसी तरह से पढ़ना है, मेहनत करके पढ़िए, कुछ नहीं रखा है, बहुत आसान है सब चीज़ें। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और इसी तरह से नोट्स बना लीजिए मन लगा के। और मुझसे बच्चे कहते हैं नोट्स की आवश्यकता है सर, नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग मन लगा के वीडियो देखिए, इसी से नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा स्लो देखिए, रोक रोक के देखिए, देख रहे कितनी गर्मी है, गर्मी में लगे मन लगा के लगे, बस करना है बच्चों के लिए, कुछ करना है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो मैं लेके जो आऊँगा उसमें आपको दूरदृष्टि दोष से संबंधित चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है, आज थोड़ा सा बस इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आप लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष, और लगभग सभी दृष्टि दोष को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज आप निकट दृष्टि दोष को समझे, उसके अलावा कुछ चीज़ों को और भी समझे। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो उस वीडियो में आप लोग के लिए दूरदृष्टि दोष और सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। और मन लगा के मेहनत करके पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, अपने क्लास के बच्चों को बताइए, उन बच्चों को बताइए जो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। बस थोड़ा सा बेटा प्रयास करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द सारे क्लास के वीडियोस लेके आएं, और लेके आएंगे, मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप लोग भी करिए, और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।